राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। और आप देख सकते हैं ये खूबसूरत पोर्ट लिली, में पोर्ट लिली नहीं है, कैला लिली है और उसमें फ्लावर्स खिला है और मुझे ये कलर बहुत प्यारा लगा इसमें जो खिला है। और मैंने इस प्लांट्स को फ्लावर्स के लिए नहीं लगाया था, आपको दिखाती हूँ मैं। ये जो इस प्लांट्स में इसके जो लीव्स में वेरिएशन है ना, मैंने इस वेरिएशन के लिए गाइस इस प्लांट्स को अपने यहाँ लगाया था। और अभी कुछ ही दिन हुए हैं मैंने इसकी कटिंग कर दी थी, जो इसके पुराने प्लांट्स थे ना वो फ्लावर्स दे करके और एज इट इज़ पड़े हुए थे, तो मैंने इनकी कटिंग कर दी थी। तो अब बरसात है तो बरसात में तो इनका फ्लावरिंग वैसे ही देते रहते हैं, हर 3 मंथ्स में अच्छी खासी फ्लावरिंग्स करते हैं इनकी अगर कटिंग करते रहे। जैसे अभी ये फ्लावर्स दे दिया इसने, अभी इसमें और फ्लावर्स खिलेंगे। काफ़ी लेंथ हो गई है ना, तो ये झुक गया है, मुझे लगता है इसको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये जो प्लांट्स है ना काफ़ी खूबसूरत है कैला लिली का, और इसमें कई वैरायटीज़ आती हैं, प्लेन पत्ते भी आते हैं, रेड कलर का फ्लावर्स भी आता है, येल्लो भी आता है। बट मैं जब इसको लाई ना तो ये सोच के नहीं लाई थी कि इसमें कौन सा फ्लावर्स निकलेगा, रेड आएगा या फिर ये ऑरेंज। पर ये जो कलर आया है ना इसमें, मुझे बाय गॉड बहुत पसंद आया था जब ये पहली बार मेरे यहाँ खिला था। अभी तो ये 2-3 साल से मेरे यहाँ पर है, और इसके नीचे बल्ब होते हैं और बल्ब से ये बहुत इजीली लग जाते हैं और फैलते रहते हैं। मैंने एक वेस्ट बकेट में इसको लगा रखा है, आप इसको अगर बड़े से किसी उसमें लगा देते हैं ना तो नीचे देख रहे हैं इस तरीके से न्यू न्यू शूट्स निकलते रहते हैं, और उस न्यू सूट से जो इसकी लीव्स प्यारी प्यारी निकलती हैं ना, सबसे प्यारी तो वही लग रही है मुझे। उसके बाद फिर इसमें जो इस तरीके की लंबी सी स्टैम्प आती है, और उस स्टैम्प में इस तरीके से ही फ्लावर्स निकलते हैं। ये देखिए जो ये अभी ये भी कली है, और उसके बाद ये इसमें ये कलियाँ आ रही हैं। तो इसमें स्टेप बाई पर डे इस तरीके से अब ये पूरे जब खिल जाएंगे ना, और फिर उसके बाद आपको लगेगा कोई ऑप्शन नहीं बचा है इसके अंदर कली का, तब आपने करना क्या होगा, यहाँ से ये नीचे से ये देख रहे हैं, यहाँ से इसको आप कट कर देना। तो यहाँ से कट होने के बाद इसके पास दूसरा ऑप्शन तो खैर नहीं होगा, बट इसका ऑप्शन ये होगा कि नीचे से न्यू सूट्स आने लग जाते हैं। ये देखिए मैंने इसको कट किया था, ये देखिए, पर अब इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, देखिए। तो इसमें और दूसरे आते रहते हैं, आप चाहें तो इसको नीचे डिवाइड करके प्लांट से प्लांट्स बना सकते हैं। अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है किसी पॉट का, इसलिए मैं प्लांट से प्लांट्स अभी नहीं बना रही हूँ। वैसे बरसात में बहुत अच्छा सीज़न है, इसको आप निकाल करके और अलग अलग गमलों में लगाएं। थोड़े दिन बाद मैं कुछ गमले देखती हूँ और इसको नीचे, इसमें मिट्टी भी कम है और मेरा मन है कि इसको डिवाइड करके कहीं, अगर आपने इसको एक लगा दिया ना, ये नीचे देख रहे हैं आप, ये सिर्फ एक जो निकल रहा है, सिर्फ इसको अगर आप यहाँ से निकाल लें एक और इसको एक को लगा देंगे तो ये काफ़ी सारे हो जाते हैं एक ही पॉट में, और काफ़ी सुंदर प्लांट्स है मेरे यहाँ पर ये। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और मुझे तो बहुत प्यारा लगा इसकी लीव्स की वेरिएशंस की वजह से। तो आपके घर में कौन सा है ये ज़रूर बताइएगा मुझे। वैसे बहुत अच्छा खूबसूरत प्लांट है, इसको आप कहीं भी डेकोरेट के लिए रख सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहीं गार्डन में है इसलिए, क्योंकि इसका पॉट थोड़ा सा ठीक नहीं है, मैंने पॉट टूट गया था ना तो मैंने उसमें टेप वेप लगा करके गुजारा कर रखा है फ़िलहाल। तो गाइस, जो भाई बहन पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं उनसे कहना चाहूँगी सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, ताकि आपको इसी तरीके की खूबसूरत अपडेट्स मिलती रहे। बाय फ्रेंड्स।